प्लीज स्टैंड बाय फॉर रंगोली रेडियो बाल पत्रिका, विषय ओलंपिक। सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। नमस्कार, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने ओलंपिक खेलों के बारे में तो सुना है ना? हाँ, ओलंपिक खेलों को विश्व खेल जगत की सबसे बड़ी घटना समझा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? दोस्तों, हम आपको बता दें कि ईसा से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व ये खेल प्राचीन यूनान में शुरू हुए थे और लगातार 1000 वर्षों तक चलते रहे। बीच में ये खेल बंद हो गए, मगर सन 1896 में प्राचीन ओलंपिक खेलों की स्मृति में फिर से ये खेल यूनान की राजधानी एथेंस में शुरू किए गए और तब से हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल दुनिया के अलग अलग देशों में आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि प्राचीन काल में ओलंपिक खेल कैसे होते थे? तो ठीक है, रमेश और शन्नो के दादाजी प्राचीन यूनान में हुए एक ओलंपिक खेल की कहानी सुना रहे हैं, आप भी सुनिए। और हाँ, एक बात तो हम बताना भूल ही गए, वेली शी के बारे में। वेली शी कौन थी? आइए सुनते हैं। दादाजी, 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 देखिए ना, शन्नो मेरे पीछे पड़ी है। अरे क्या हुआ, घर के अंदर क्यों दौड़ रहे हो? अरे दौड़ना है तो मैदान में दौड़ो। दादाजी, ये कहता है मैं दौड़ में पहले नंबर पर नहीं आ सकती। और क्या है? अरे क्यों नहीं आ सकती, अभ्यास करो तो जरूर आ सकती हो। जानते हो रमेश, हमारी शन्नो की ही तरह एक और लड़की थी, वेलिशी। वेलिशी? बड़ा अजीब सा नाम है। तुम्हें इसलिए अजीब लग रहा है बेटा क्योंकि ये विदेशी नाम है। वेलिशी यूनान की रहने वाली थी। क्या हुआ दादाजी? हे, तो फिर क्या हुआ दादाजी? ये कोई कहानी है? कहानी है बेटा, पर सच्ची। तो सुनाइए ना दादाजी। तुमने यूनान का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यूनान पूर्वी यूरोप का एक देश है। हाँ, वही यूनान में एक नगर है ओलंपिया, जहाँ से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। ये बात ईसा के जन्म से भी कई सौ वर्ष पहले की है। अच्छा? हाँ, तब इन खेलों को धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। ओलंपिया नगर में देवताओं की माँ रिया की वेदी थी। उत्सव के दिन पुजारी हाथ में मशाल लेकर उस वेदी के आगे बलि देने के लिए खड़ा होता था। उस क्षेत्र के युवक वेदी से कोई 200 गज की दूरी पर इंतजार करते थे। जैसे ही उन्हें इशारा मिलता वे दौड़कर वेदी के पास आते। जो पहले पहुंचता वे पुजारी के हाथ से मशाल लेकर बलि की आग जलाता। अच्छा? हाँ, उन दिनों ये खेल हर 4 साल बाद जुलाई के महीने के आसपास होते और 5 दिनों तक चलते थे बेटे। और जो खिलाड़ी जीतते थे उन्हें क्या इनाम मिलता था? शुरू शुरू में ये रिवाज था कि देवताओं के आगे जिस पशु की बलि चढ़ाई जाती थी उसके मांस का कुछ हिस्सा इनाम के रूप में दिया जाता था। हाँ? लेकिन बाद में जैतून की पत्तियों का मुकुट इनाम के रूप में दिया जाने लगा। और जानते हो, जैसे ही विजेताओं के नाम घोषित होते वैसे ही बहुत से कबूतर आकाश में छोड़ दिए जाते। कबूतर? वो किस लिए दादाजी? बेटे, ये तो तुम जानते हो कि पुराने जमाने में कबूतरों से डाकिये का काम लिया जाता था। हाँ, 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 तो इन कबूतरों को इसलिए छोड़ा जाता जिससे ये यूनान के दूसरे शहरों तक ये संदेश पहुंचा सकें कि विजेता कौन है। अच्छा, लेकिन दादाजी, हाँ? आप तो वेलिशी की कहानी सुना रहे थे। वही सुना रहा हूँ बेटा, वही सुना रहा हूँ। उन दिनों
ओलंपिक खेलों में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी। हाँ, लेकिन वेलिशी ने इस प्रथा को चुनौती दी। पिताजी, पिताजी, आपने सुना ओलंपिक खेलों में होने वाली रथ दौड़ में हिस्सा लेने के लिए जानते किसे भेजा जा रहा है? किसे बेटी? मिखालिस को। तो क्या हुआ बेटी? अगर वो रथ दौड़ में गया तो देख लीजिएगा, कभी प्रथम नहीं आ सकता। अच्छा, तू कैसे कह सकती है ये? जानते पिताजी, एक दिन हमारी रथ दौड़ हुई थी और मैंने तो बड़ी आसानी से उसे पीछे छोड़ दिया था। जानता हूँ, जानता हूँ। मेरी बेटी जैसा रथ इस गांव में कोई नहीं चला सकता। पिताजी, तब फिर मिखालिस को क्यों भेजा जा रहा है? मुझे क्यों नहीं पिताजी? ओ, तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है बेटी। तो फिर किसके पास है? मुखिया जी के पास। वही निर्णय करते हैं कि हमारे गांव से कौन खेलों में हिस्सा लेने जाए। ठीक है, तो फिर आप मेरे साथ मुखिया जी के पास चलिए ना पिताजी, चलिए ना, अभी चलिए। ओफो, ये लड़की भी बड़ी जिद्दी है। चल। मुखिया जी, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, जमाना बदल रहा है। जब ये खेल शुरू हुए थे तब महिलाओं को इन्हें देखने तक की इजाजत नहीं थी। आज दर्शकों में महिलाएं भी होती हैं। ऐसा है अर्गोस, तुम अभी चलो, मैं गांव के और लोगों से बात करता हूं। अगर वो मान गए तो ओलंपिया के पुजारी गण से भी अनुमति लेनी होगी। ठीक है, जो भी होगा उसकी सूचना तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है मुखिया जी, तो मैं चलता हूं। दोस्तों, मुखिया जी चाहते तो वेलिशी को खेलों में भाग लेने की आज्ञा मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने वेलिशी को टाल दिया क्योंकि उन दिनों लड़कियों को खेलों में भाग लेने की छूट नहीं थी। मगर हां दोस्तों, वेलिशी ने भी प्रयास नहीं छोड़ा। वह खेलों में भाग लेने के लिए लड़ती रही और लड़ती रही, और अंत में उसे आज्ञा दे दी गई। लोगों ने सोचा, लड़की रथ दौड़ कैसे जीत पाएगी? दोस्तों, क्या लोगों का विचार सही था या गलत? आइए सुनते हैं। अगोनन हेनर्क्सिस। देखो स्टेडियम के उस छोर पर वो सजे हुए रथ कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ भाई, वो लाल रंग का रथ देखो कैसी तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। हाँ, वो लगता है वही जीतेगा। शाबाश शाबाश, और तेज से रथ। ये बात, ये हो बात। देखो देखो, पीछे से वो सफेद रथ कितनी तेजी से चला जा रहा है। अरे हाँ, आ तो रहा है। ये क्या क्या हुआ? मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही है? हैं? इस सफेद रथ का सवार तो कोई लड़की है। क्या कहते हो भाई? देख लो भैया, खुद अपनी आंखों से देख लो। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? कह तो ठीक रहे हो, लेकिन ओलंपिक खेलों में लड़की? अरे वाह वाह, शाबाश। अरे तेज तेज, और तेज चलो। देखा, कुछ भी कहो, लड़की रथ खूब दौड़ाती है। वो सभी रथ सवारों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। लाल रथ वाला उसके पीछे पीछे ही है। कोशिश तो बहुत कर रहा है पर जी नहीं, अब वो उसे नहीं हरा सकता। दौड़ तो खत्म होने ही वाली है। अब वो देखो, अरे वो देखो, पहुंच गई, जीत गई। भाई, इस लड़की ने तो कमाल ही कर दिया, ओलंपिक खेलों में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। हाँ दोस्तों, आपने जाना, वेलिशी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। और आपने ये भी जाना कि प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का स्वरूप क्या था। दोस्तों, जो कुछ आपने जाना उसकी तुलना आज के ओलंपिक खेलों से कीजिए और पता लगाइए कि तब और आज के ओलंपिक खेलों में क्या अंतर है, और इस विषय में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
रंगोली। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, निर्माणकर्मी रमेश रानी शर्मा तथा दाऊदयाल चतुर्वेदी, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और बटी लैंग लिंगडो, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति अजीत होरो।